अफ्रीकी देश कैमरून में एक स्कूल में बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 8 बच्चों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना को 9 हमलावरों ने अंजाम दिया है। भारत के वायु प्रदूषण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी की आलोचना करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि वह और उनकी पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी का बेहद सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में भाजपा का दामन थामा। वहीं लोधी ने इससे पहले प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वर्तमान में वे दमोह के विधायक थे। उपचुनाव से पहले कांग्रेस के एक और विधायक का कम होना किसी झटके से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कन्याओं के पांव पखारे और तिलक लगाया। सभी कन्याओं को चुनरी उड़ाई गई और भोजन कराया गया। आज विजयदशमी पर विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त तय हुआ। गंगोत्री धाम के कपाट 15 नवम्बर को जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवम्बर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। यूपी के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुल गए हैं। आज सुबह निर्धारित समय से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया गया। दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना ने इस बार सदियों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा पर विराम लगा दिया है। कोरोना की वजह से इस बार देश प्रदेश में विजयदशमी के अवसर पर बड़े स्तर पर रावण का दहन नहीं किया गया है। जयपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत जयपुर नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 83 के कांग्रेस प्रत्याशी शंकर पसडोलिया ने दादूदयाल नगर के सीडी ब्लॉक 223 वेद हाइट्स और ट्रायंगल हाउस के लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना संबोधन दिया और लोगों से उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देते हुए वोट करने की अपील की। अक्टूबर का माह विदाई की ओर है, इसके बावजूद दोपहर के मौसम में तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। सुबह और शाम सर्द हवाओं का दौर जारी है, तो वहीं दिन में धूप तेज हो जाती है। गर्मी से आमजन परेशान है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। सुपर संडे के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। अबू धाबी के शेख जायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर मौजूद मुंबई इस मैच को जीतकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना चाहेगी। वहीं राजस्थान की नजरें अब भी अंक तालिका में थोड़ा ऊपर आने पर रहेगी।